प्रकाशी न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आप दिल्ली आए हैं कुछ खास मकसद से, कुछ योजनाएं हैं आपकी, कुछ बताइए क्या सोच के आए हैं आप? नहीं, दिल्ली में बीच में मैं आके गया था और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की परिस्थिति है उस पर काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैं जो अनुमान लगा रहा था कि राजनीतिक पार्टियां अभी जो है ऐसे परिस्थिति में नहीं है कि बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट के साथ वो लड़े, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हम लोग राज्यों में तो है वो बीजेपी आरएसएस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जितना इम्पैक्ट चाहिए था उतना इम्पैक्ट आ नहीं रहा था। बम्बई और महाराष्ट्र दोनों हम लोग ने बंद किए थे, न्यूज़ जो है वो जितनी फैलनी चाहिए उतनी फैली नहीं गई, कंट्रोल्ड न्यूज़ में चैनल्स है इसलिए उतना उसका असर नहीं हो रहा है। कई राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं लेकिन उसकी भी खबर नहीं दी जा रही है, इसलिए फिर यही तय हुआ कि दिल्ली में हम लोग बैठ के एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएं और उसके मुताबिक हम लोग चले। तो यहाँ सिविल सोसाइटी के अनेक संगठन हैं कि जिनके साथ में बातचीत हुई और फिर ये तय हुआ कि हम लोग दिल्ली को NRC और CA और NPR को लेके एक सेंटर बनाएं, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर बनने से इसकी जानकारी आम लोगों तक जा सकती है। RSS BJP का एक मंत्र चला है कि वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और गैर मुसलमानों को इसके कोई बाधा नहीं है। उनका यही कहना है कि हिंदू जो है वो NRC से CAA से और NPR से किसी प्रकार का बाधित नहीं होगा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी, इसलिए आप निश्चित रहिए। और मुसलमानों को अगर सिटीजनशिप से नागरिकता से बेदखल किया गया तो उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं रहेगा, उनके मकान का अधिकार नहीं रहेगा, उनके बैंक बैलेंस का अधिकार नहीं रहेगा, या जो कोई अधिकार है वो निकाले जाएंगे, वो आप लोगों में बांटा जाएगा। ऐसा एक प्रचार उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में काफ़ी बड़ी पैमाने पर RSS BJP फैला रही है। लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं, NRC, CAA और NPR का जो नुकसान मुसलमानों को तो होगा ही, ये बात सही है, लेकिन उनका मकसद देखना चाहिए। ऐसा हम लोग को लगता है उनका मकसद ये है कि पुराना मनुवाद इस देश में लाना है, और पुराना मनुवाद अगर इनको लाना है तो बाबा साहब के साथ में बैठ के जिन लोगों ने मनुवाद की धजिया उड़ाई, महाड में जिन्होंने मनुवाद मनुस्मृति को जलाई, वो भी उसमें सबसे बड़ा टारगेट होगा। और साथ साथ हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि महात्मा फुले का योगदान जो है वो हम लोग भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार महिलाओं की शिक्षा की बात कही और साथ साथ पानी का सार्वजनिक रूप से अपना कुआं खोल के मनुवाद को उन्होंने चैलेंज किया। तो इसमें जो OBC की मार्शल कोम है, ये मार्शल कोम को सबसे बड़ा खतरा ऐसा मैं मानता हूँ, और कई मार्शल कोम OBC में है कि जो ये इसमें घेरे में लेंगे। तो ये जो इनका प्रचार का मुद्दा है कि हिंदुओं को इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसके खिलाफ़ हम लोग एक धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। उसकी रूपरेखा कैसी हो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ उस पर बात करने से पहले, ये संभवतः पहला आंदोलन है जो CA और NRC के खिलाफ देश भर में चल रहा है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जो फोटो है सबसे बड़े आइकन के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं, और अभी तक अंबेडकर का पोस्टर या बैनर कहीं पर भी होने का मतलब था कि ये दलितों का जमावड़ा है। सही। लेकिन इस बार जहां दलित नहीं भी हैं और पूरे देश में जो लोग भी जुट रहे हैं वो दो ही चीज़ें लेके जा रहे हैं, बाबा साहब का पोस्टर और दूसरा संविधान। तो इसे आप कैसे देखते हैं, ऐसा कैसे हुआ? देखिए कि सवाल ये है कि मनुवादी व्यवस्था जो है वो इंसानियत की व्यवस्था नहीं है,
और बाबा साहब और संविधान जो है वो इंसानियत के लिए दोनों है, तो इसलिए यहाँ का आम आदमी जो है वो इंसानियत चाहता है, और इंसानियत के जो प्रचारक यहाँ पर थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, और संविधान उसी बात को लेके जाता है। तो इसलिए जिनको मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, या जैसे मुसलमान यहाँ पे लड़ रहा है कि धार्मिक तौर पर भेदभाव करना, ये जो आरएसएस की रणनीति है उसको लड़ना है, तो उसको संविधान और बाबा साहब के अलावा दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसने बाबा साहब और संविधान दोनों को लेके वो आरएसएस बीजेपी के गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ बोला कि लोग आड़ ले रहे हैं संविधान की और झंडे की, और उस आड़ में उनका काम देश को तोड़ना है, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री पहले ये बताया कि उनकी इच्छा क्या है। भेदभाव की इच्छा अगर वो रखते हैं तो शायद इस भेदभाव के खिलाफ जो है लोग रास्ते पर उतरेंगे। आंदोलनकर्ता पर ये आरोप लगाना कि वो देश तोड़ने के लिए निकला है, इससे मैं समझता हूँ कि घिनौनी सोच किसकी हो नहीं सकती है। आंदोलन का अधिकार संविधान ने दिया है, आंदोलनकर्ताओं के साथ सत्ताधारी जो होता है उससे बातचीत करना ज़रूरी होता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर बातचीत क्यों नहीं करते? जब आपने ही रास्ता बातचीत का बंद कर दिया है तो उसको आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अपनी मजबूरी लोगों के सामने ले आने के लिए, सरकार के सामने ले आने के लिए। तो इसलिए ये आंदोलनकर्ताओं पर आरोप करना, ये प्रधानमंत्री की सोच गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री बार बार ये भी कहते हैं कि वो अंबेडकर के भक्त हैं, संविधान की बात करते हैं, और इस बार तो जब उन्होंने शपथ ली संविधान के आगे सर नवाया उन्होंने, तो क्या अंबेडकर को जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस इस समय बता रही है, लगातार लिखा भी जा रहा है अंबेडकर पे, ऑर्गेनाइजर में लगातार कोशिश है, वो क्यों कर रहे हैं फिर वो लोग? देखिए, उनको ये पता है कि उनका सबसे बड़ा अपोनेंट जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और इसलिए वो अप्रोप्रिएट करना चाह रहे हैं, बार बार ये कहते हुए कि हम बाबा साहब के साथ चल रहे हैं, बाबा साहब को लेके चल रहे हैं, उनकी अगुवाई में कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ही थे कि जिन्होंने ये कहा था कि इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है ये सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जितने भी प्रॉफिट होगा वो देश के लिए होगा, और ये GIC और LIC जो है इसका नक्शा बनाने में बाबा साहब का काफ़ी बड़ा योगदान है। आप उसको ही आज बेचने निकले हो, प्राइवेट करने निकले हो। उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट ज़रूर ब्रिटिशों के वक्त बनाया गया, लेकिन उसकी जो कलमें हैं उसको शेप करने में और करेंसी को कंट्रोल करने में, और करेंसी कंट्रोल करते हुए RBI पर एग्जीक्यूटिव का कोई अधिकार नहीं होगा, इन बातों की बात जो है वो बाबा साहब ले आए। आज वही RBI को ये सरकार पूरी तरह से तोड़ मोड़ रही है, और करेंसी की जो कंट्रोल आज RBI की तरफ है उसको निकाल के एग्जीक्यूटिव के पास ले आ रही है। तो ये कहाँ की बाबा साहब की विचारधारा ली जा रही है? ये तो सिर्फ नाम उनका लट रहे हैं ताकि आम आदमी को ये पता चले कि भैया हम बाबा साहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन असलियत में इनके सबसे विरोधी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के हेरिटेंस में आते हैं, कैसे आप देखते हैं कि अचानक ही बिना किसी पॉलिटिकल पुश के बाबा साहब इतने ज़्यादा रेलेवेंट एक ऐसे मूवमेंट के लिए हुए जो बिल्कुल अलग ढंग का था, जिसके बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा भी नहीं था, जो CA लाए उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इसके खिलाफ जो लोग खड़े होंगे वो बाबा साहब को लेंगे, और शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके अगेंस्ट में हैं उन्होंने भी नहीं सोचा था, जैसा लगता है मुझे कि ये बहुत जनता की तरफ से आया हुआ लगता है कि संविधान और बाबा साहब का जो फोटो है। मैं शाहीन बाग लगातार जा रही हूँ, पहले दिन से मैंने देखा कि सिर्फ एक ही फोटो थी, वो बाबा साहब की, पोस्टर जो था वो बाबा साहब का,
तो ये आप क्योंकि एक पर्सनल आपका एक जो लिंकेज है उसके साथ आप कैसे देखते हैं, थोड़ा मैं आपसे देखिए, पर्सनली जानना चाहूँगा। मैं वीपी सिंह के वक्त 84 राजीव गांधी जीतने के बाद बोफोर्स का मामला निकला, और बोफोर्स के मामले के बाद वहाँ पर जो है वो मंडल कमीशन की बात चलती रही। मंडल कमीशन के वक्त भी मैंने देखा कि सबसे बड़ी तस्वीर जो निकली वो संविधान की निकली और बाबा साहब की निकली। वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, इसलिए वो मंजूर होते हुए बगल हो गई। लेकिन 2014 की सरकार आने के बाद जिस तरह से पूरे ऑपोजिशन पार्टी को पैरालाइज किया गया था आरएसएस बीजेपी की सरकार की ओर से, तो एक ही रास्ता बचा था। जैसे उन्होंने कहा था कि बाबा साहब को जब पूछा गया था कि ये प्रियम्बल आपने क्यों कहा, बोली यहाँ की सब सिस्टम अगर बिगड़ जाएगी, तोड़ मोड़ हो जाएगी, इसमें कोई जान नहीं रहेगी, तो वी दी पीपल जो है वो इसकी अगुवाई में आएंगे और इसको बचाने में लगेंगे। तो आज मैं देखता हूँ कि वी दी पीपल जो है उनके ये ध्यान में बाबा साहब थे, उनके विचारों में बाबा साहब थे, और इसलिए NDTV के वक्त आपने देखा होगा कि ही वॉज फार अहेड ऑफ अदर नेशनल लीडर्स। तो वहीं से अब ये शुरुआत हुआ है कि भाई इस देश के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, नई व्यवस्था की जो रचना है वो बाबा साहब ने की है, इसलिए इसी नई व्यवस्था को हम लोग को बरकरार रखना है, इसी के साथ चलना है। कि जिनको हम सिर्फ हम लोग शेड्यूल कास्ट ये कहता है कि उसको आज़ादी मिली, बट इफ़ यू हैव अ डिस्कशन विद द अपर क्लास, कि जिनको किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, उनसे अगर हम लोग बात करें तो उनका ये कहना है कि हमको जो आज़ादी मिली है वो हमारी जात पंचायत से हमको आज़ादी मिली है। वी आर नाउ एन इंडिविजुअल, हमको किसी जात पंचायत की बंदिश अभी नहीं है। तो ये जो फ्रीडम 70 साल में अलग अलग तरीके से लोगों ने स्वाद लिया है, वो स्वाद वो रखना चाहते हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस संविधान ने हमको दिया है वो संविधान को हम लोग आगे ले जाएंगे, बचाएंगे, और बचाने का तरीका आरएसएस से लड़ना है तो बाबा साहब ही लड़ सकते, दूसरा और कोई लड़ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ जो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश है, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछने की कोशिश की थी कि 370 हो, CA हो, सब कुछ, ये जो सरकार है ये दलितों के नाम पर ही ला रही है। देखिए, इसमें जो वॉलेटाइल फोर्स है या संघर्षमय फोर्स जो है वो दलितों का फोर्स है, वो ना कभी किसी सरकार से डरता है और ना कभी उसने हार मानी है। तो इसलिए अब इस फोर्स को अगर कंट्रोल करना है, इस पर काबू लाना है, तो आरएसएस बीजेपी को ये पता है कि बाबा साहब को हम जब जब तक रटते रहेंगे तब तक ये फोर्स हमारे कंट्रोल में रहेगी, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, शेड्यूल कास्ट जो है वो समझ चुका है इनकी चालों को कि ये अपने को गुमराह कर रहे हैं और दोबारा नई तरीके से मनोव्यवस्था ला रहे हैं, ये उनके ध्यान में आना शुरुआत हो चुका है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तरह दलितों का भी एक आंदोलन खड़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे पूछूं कि कैसे आप समझाएंगे दलितों को कि CA या NRC उनके खिलाफ है, क्योंकि वो तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई हिंदू हैं, आप तो हिंदू हैं और आप बाहर नहीं होंगे, तो ऐसे में ये जो चीज़ है ये कैसे उनको लगेगी? सीधी हमारी बात सीधी होती है। एक तो इन्होंने जो कागजात मांगे हैं उसका, और सीधे पूछते हैं आपके पास ये कागजात हो तो आप बीजेपी के पास जाइए, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपका सिटीजनशिप चली गया, तो आपको यहाँ आना है। दूसरी बात यह है कि आसाम में NRC लागू हो चुकी है, आसाम में करीब करीब 19 लाख लोग जो है वो सिटीजनशिप से बाहर हो चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि
4,80,000 मुसलमान हैं, बाकी जो है 14,20,000 जो है वो हिंदू है। तो हम लोगों से यही पूछ रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को लागू नहीं होगा तो आसाम के हिंदुओं को क्यों लागू होगा, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। और जैसे जैसे हम लोग बताते जा रहे हैं कि कौन से समाज इसमें बाधित होते जा रहे हैं, इसमें इफ़ेक्ट होता जा रहा है, वही समाज हमारा जो पर्चा है वो आरएसएस जब आता है तो उसे पूछता है भैया ये तो मेरा नाम है, ये 7 कागजात आपने मांगे हैं, इनमें से मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो आप हमको कैसे बचाओ? तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। और इसलिए लोग हम जो कह रहे हैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अभी आपकी क्या योजना है आगे की? देखिए हम लोग 4 तारीख को जो है, 4 मार्च को जो है एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिल्ली में, जहां हम लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि आप अगर इसके खिलाफ हो तो दिल्ली पहुंचिए। ये राष्ट्रीय कॉल है। उत्तर भारत तक ही इसका सीमित, हम लोग ज़्यादा तौर से हम लोग उत्तर भारत ही सीमित रखेंगे, दक्षिण के राज्यों को और ईस्टर्न और वेस्टर्न के राज्यों को आना है तो उसको हम लोग आने का, ना आने का नहीं कह रहे, वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का उत्तर भारत का ही कॉन्सेंट्रेट होगा। आप आके सरकार से कहिए कि हम NRC के खिलाफ हैं, CAA के खिलाफ है, NPR के खिलाफ है, खुद आके कहिए। ऐसे प्रकार का हम लोग एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं और उसकी 4 मार्च की लगभग तारीख जो है वो तय हो चुकी है।